जय शिवाला गो महाराजिया दुर्मई माया का माया बारे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार जोहार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, आदाब, नमस्ते, जय भीम, जय जनेंद्र, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रुपेश भागवत का स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग एंड वीडियो पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूं फूफा देव जी के मंदिर, जहाँ एक लोकल देवी हैं या देवता हैं जिन्हें फूफा देव के नाम से जाना जाता है, और काफ़ी आस्था है दोस्तों। वहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, पुरुष जाते हैं। जैसे हमारे बस्तर क्षेत्र में भैरव मंदिर होता है जहाँ महिलाएँ नहीं जाती, उसी तरह यहाँ पर खोपा देव है। और मैं आप लोगों को वहाँ के दर्शन करवाऊंगा। मैं इस वक्त वहाँ से दर्शन करके आ रहा हूँ, और ग्रामीणों की इतनी आस्था है कि शनिवार और इतवार के दिन वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और आज है इतवार का दिन, तो मैं आप लोगों को लेके आया हूँ। तो दोस्तों, जब तक मैं आप लोगों को खोपा देव की जी के दर्शन करवाता हूँ, उतनी देर में जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए, मैं यही आशा करूँगा कि भगवान खोपा देव की आशीर्वाद आप सभी लोगों के ऊपर इसी तरह बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, दर्शन करवाता हूँ मैं आप लोगों को खोपा देव। जय खोपा देव। जिले में बहने वाली रेड़ नदी के समीप ही स्थित है यह खोपा धाम। खोपा धाम में होती है दानव बकासुर की पूजा। प्राचीन मान्यता अनुसार रेड़ नदी ही दानव बकासुर की शरण स्थली थी, जहां बैगा प्राचीन समय में नदी के अंदर जाकर खोपा देव की पूजा करते थे, और नदी के बाहर आने के बाद भी बैगाओं के कपड़े गीले नहीं होते थे। तो यह है चमत्कार खोपा देव जी का। बीतते समय के साथ बैगाओं द्वारा बकासुर की मूर्ति को नदी से बाहर निकालकर यहां स्थापित कर दिया, जिन्हें जल देवता के रूप में भी पूजा जाता है। दानव देव होने के कारण बकासुर खोपा धाम में मंदिर निर्माण की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि दानव देव को किसी भी प्रकार की बंदिश पसंद नहीं, और जन कल्याण के लिए वह खुले में ही रहना पसंद करते हैं। यहाँ श्रद्धालुगण अपनी इच्छा अनुसार मन्नतें मांगते हैं, और दानव देव बकासुर सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु मन्नत अनुसार बकरे, नारियल, मुर्गे, शराब आदि का चढ़ावा चढ़ाते हैं। मैंने खोपा धाम में लगभग 15 से 20 मिनट व्यतीत किए, और इतने समय में मैंने लगभग 40 से 50 बकरों को श्रद्धालु गण द्वारा चढ़ावा चढ़ाते देखा। तो यह दोस्तों लोगों की आस्था है खोपा देव के प्रति। तो मैं भी खोपा देव से यही आशा करता हूँ कि खोपा देव अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखें। जय खोपा देव।